नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक बेहद आसान सा नेट पैटर्न लाई हूँ, जिसे आप किसी भी लेडीज़ प्रोजेक्ट में डालेंगे, बेबी फ्रॉक में डालेंगे, इसे आप स्टॉल में, शॉल में या श्रग में डालेंगे, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसे बनाना बहुत ही आसान है, बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमें 7 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 2 फंदा एक्स्ट्रा, तो मैंने 23 फंदे डाले हैं। इसमें 3 डिज़ाइन सेट हो जाएगा। डिज़ाइन बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कोई भी मैं वीडियो डालूँ तो वो आपको सबसे पहले मिले। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, मेरे बताने का तरीका अच्छा लगे, तो कृपया इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। तो मैंने 23 फंदे डाल रखे हैं। ये डिज़ाइन का पहला लाइन है। तो पहले लाइन में हम एक फंदा उल्टा बुनेंगे, ये हमारा एज स्टिच है। नेक्स्ट फंदे से हमारा डिज़ाइन स्टार्ट होगा, तो एक फंदा उल्टा, ऊन हम अपनी तरफ ही रखे हुए 2 फंदों को एक साथ लेंगे, 1, 2, और दोनों को एक साथ लेते हुए बैक लूप से एक सीधा फंदा बनाएंगे। यहाँ पे एक फंदा घट रहा है, 2 फंदे का एक करने से यहाँ पे एक फंदा घट रहा है, ऊन हमारा हमारी तरफ है, यानी जाली देते हुए सीधा, तो एक फंदा घट रहा है और एक फंदा यहाँ बढ़ गया। यहाँ पे एक फंदा घटा और ये जाली देने से एक फंदा बढ़ गया, यानी जितने फंदे थे वापस उतने फंदे हो गए। नेक्स्ट फंदा सीधा, अब 2 फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए 2 का एक करेंगे। यहाँ पे एक फंदा घटा, अब अगला फंदा हमें उल्टा बुनना है, ऊन दूसरी तरफ है, यानी जाली देते हुए उल्टा। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 7 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। यहाँ पे एक डिज़ाइन कंप्लीट हुआ, अब यहाँ से दूसरा डिज़ाइन स्टार्ट होता है, यानी एक फंदा उल्टा, फिर 2 फंदों को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए बैक लूप से 2 का एक कर लेंगे। अगला फंदा सीधा, नेक्स्ट 2 फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए 2 का एक। अगला फंदा उल्टा बुनना है, ऊन दूसरी तरफ है, यानी जाली देते हुए उल्टा। यहाँ पे दूसरा डिज़ाइन कंप्लीट होता है। अब तीसरा डिज़ाइन, एक फंदा उल्टा, 2 फंदों को एक साथ लेंगे, सीधा बुनते हुए 2 का एक करेंगे, जाली देते हुए सीधा। अगला फंदा सीधा, नेक्स्ट 2 फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए 2 का एक करेंगे। अगला फंदा उल्टा, ऊन हमारा दूसरी तरफ है, यानी जाली देते हुए उल्टा। यहाँ पे हमारा तीसरा डिज़ाइन कंप्लीट होता है। लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो इस तरह ये पहला लाइन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और ये डिज़ाइन का दूसरा लाइन है। तो दूसरी लाइन में हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। दूसरी लाइन में हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। अब ये डिजाइन का तीसरा लाइन है और सामने से। तो तीसरी लाइन में हम 3 फंदे उल्टा बुनेंगे, 1, 2, 3, 3 फंदा उल्टा बुना। और अब देखिए, ऐसे इस वाले फंदे को हमें ऊपर लाना है, तो क्या करें, पहले दूसरे वाले फंदे में सिलाई डालेंगे, फिर पहले वाले फंदे में सिलाई डालेंगे, फिर तीसरे फंदे में सिलाई डालेंगे। अब इन 3 फंदों को एक साथ लेते हुए देखिए, ऊन हमारा हमारी तरफ है, यानी जाली देते हुए 3 का एक कर लेंगे। एक जाली हमने दिया, यहाँ पे 2 फंदे घटे, एक जाली हम यहाँ पे बढ़ गया, और इधर भी हमें एक फंदा बढ़ाना है, तो ऊन दूसरी तरफ ही रहेगा। और अब 2 फंदा उल्टा बुन लेंगे, 1, 2। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 7 फंदों को हमें
पूरी सिलाई में धुराना है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 सात फंदे का डिज़ाइन है और इन्हीं सात फंदों को हमें पूरी सिलाई में धुराना है। यहाँ पे एक डिज़ाइन कंप्लीट हुआ, अब नेक्स्ट डिज़ाइन दो फंदों को उल्टा बुनेंगे, 1, 2, अब तीन फंदों को हमें एक करना है। पहले दूसरे वाले फंदे में इस फंदे को हमें ऊपर रखना है, तो पहले इसमें हम सिलाई डालेंगे, फिर दूसरे वाले फंदे में और फिर तीसरा फंदा ले लेंगे और तीनों को एक साथ लेते हुए हम एक सीधा फंदा बनाएंगे। ऊन हमारा हमारी तरफ है यानी जाली देते हुए सीधा, यहाँ पे तीन का एक किया, एक जाली पड़ा यहाँ पे। अब क्या करेंगे कि दो फंदों को उल्टा बुनना है, ऊन दूसरी तरफ है यानी जाली देते हुए उल्टा, 1, 2 यहाँ पे दूसरा डिज़ाइन कंप्लीट होता है। अब तीसरा डिज़ाइन दो फंदा उल्टा, नेक्स्ट तीन फंदों को हमें एक करना है। पहले बीच वाले फंदे में दूसरे वाले फंदे में सिलाई डालेंगे, फिर पहले फंदे में सिलाई डालेंगे, फिर तीसरे फंदे में, तीनों फंदों को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए सीधा बुन लेंगे। तीन का एक किया, फिर ऊन हमारा दूसरी तरफ है, जाली देते हुए दो फंदा उल्टा बुनेंगे। ये हमारा तीसरा डिज़ाइन कंप्लीट होता है। लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम उल्टा बुनेंगे। तो ये हमारा तीसरा लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और अब रॉन्ग साइड में सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। हर रॉन्ग साइड में हमें सभी फंदों को उल्टा बुनना है। डिज़ाइन सिर्फ सामने की तरफ से ही डलेगा। चौथी लाइन में सभी फंदे उल्टे। तो यहाँ पे हमारा डिज़ाइन कंप्लीट होता है। सात फंदे का और चार लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है। एक बार और देख लीजिए। तो पांचवी लाइन हमारे पहली लाइन की तरह ही होगा। पहला फंदा एज स्टिच है, इसे उल्टा बुन लेंगे। अब यहाँ से हमारा डिज़ाइन स्टार्ट होगा, एक फंदा उल्टा, फिर ऊन को अपनी तरफ रखे हुए दो फंदों को हम एक साथ लेंगे और बैक लूप से सीधा फंदा बना लेंगे यानी जाली देते हुए सीधा, फिर अगला फंदा सीधा, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक करेंगे, नेक्स्ट फंदा उल्टा, ऊन दूसरी तरफ है यानी जाली देते हुए उल्टा। तो ये एक डिज़ाइन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट डिज़ाइन एक उल्टा, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे, जाली देते हुए दो का एक करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे, सीधा बुनते हुए दो का एक करेंगे, फिर उन दूसरी तरफ है यानी जाली देते हुए उल्टा। यहाँ पे दूसरा डिज़ाइन कंप्लीट होता है। अब तीसरा डिज़ाइन एक फंदा उल्टा, दो फंदों को एक साथ लेंगे और बैक लूप से सीधा बुनते हुए दो का एक करेंगे यानी जाली देते हुए दो का एक, फिर एक फंदा सीधा, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे, सीधा बुनते हुए दो का एक करेंगे, नेक्स्ट फंदा उल्टा बुनना है, ऊन दूसरी तरफ है यानी जाली देते हुए उल्टा, और लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो पांचवा लाइन कंप्लीट होता है। छठे लाइन में सभी फंदे उल्टे। सातवीं लाइन तीसरी लाइन की तरह होगा, यानी पहला फंदा एज स्टिच है, इसे उल्टा बुनेंगे। अब फिर यहाँ से डिज़ाइन स्टार्ट होगा, तो दो फंदा उल्टा, ऊन को अपनी तरफ रखे हुए ही तीन फंदों को हमें सीधा बुनते हुए तीन का एक करना है। देखिए इस फंदे को हमें ऊपर रखना है, तो पहले इसमें हम सिलाई डालेंगे, फिर नेक्स्ट में और उसके बाद तीसरे फंदे में हम सिलाई डालेंगे और तीनों को एक साथ लेते हुए तीन का एक करेंगे यानी जाली देते हुए तीन का एक किया। अब अगले दो फंदे उल्टे। एक डिज़ाइन हमारा कंप्लीट होता है। फिर यहाँ से हमारा दूसरा डिज़ाइन स्टार्ट होता है, तो दो फंदा उल्टा, उनको अपनी तरफ रखे हुए ही हमें तीन फंदों का एक करना है। तीन फंदों को एक साथ लिया और बैक लूप से तीन का एक कर लेंगे जाली देते हुए तीन का एक, फिर उन दूसरी तरफ है, अगले दो फंदे उल्टे।
ये दूसरा डिज़ाइन कंप्लीट होता है। फिर इन्हीं सात फंदों को हम फिर से दोहराएंगे, दो फंदा उल्टा, उनको अपनी तरफ रखे हुए ही इन तीन फंदों को हमें तीन का एक करना है। तो पहले दूसरे वाले फंदे में सिलाई डालेंगे, फिर पहले में, फिर तीसरे में, तीनों को एक साथ लेते हुए हम तीन का एक करेंगे। फिर उन दूसरी तरफ है अगले दो फंदे उल्टे, लास्ट फंदा है जिस स्टिच है इसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो ये हमारा सातवां लाइन कंप्लीट होता है। रॉन्ग साइड से आठवीं लाइन में हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इन्हीं सात फंदों को और चार लाइन को हमें ऊपर ऊपर दोहराना है, जिससे ये खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा। देखिए सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ये ऐसा। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है, आशा है पसंद आया होगा, आशा है पसंद आया होगा। तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।